अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मैं भी ठीक हूँ, और आप लोग भी यकीनन ठीक होंगे। रमज़ान आप लोगों का कैसा गुजर रहा है? सब लोग ठीक ठाक हैं। और आज जो है ना, मैं बना रही हूँ अफ्तारी के टाइम जो है ना, आजकल बड़ी फ्राई चीज़ें खाने को दिल करता है और हर तरफ खाई भी जा रही हैं, तो आज मैं बना रही हूँ चिकन स्ट्रिप्स। इनको फ्राई कर रही हूँ, चिकन फ्राइज़ भी आप इनको बोल सकते हैं और चिकन स्ट्रिप्स भी कह सकते हैं। तो मैं ये आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आप लोग इस रेसिपी को वॉच करें, ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का बटन भी पुश कर दीजिए। इसके लिए मैंने एक ब्रेस्ट लिया है और उसको मैंने सेंटर से 2 पीस करके स्ट्रिप्स को इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है, स्ट्रिप्स शेप में। तो अब मैं इनको मैरिनेट करूँगी। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ही मज़ेदार ये फ्राइज़ बनते हैं। चिकन को अब हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन में मैं लूँगी सोया सॉस 1 टेबल स्पून, और सिरका मैं लूँगी 1 टेबल स्पून, और साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून, और इसको अच्छे से मिक्स करके हम 30 से 40 मिनट के लिए इसको रख देंगे। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के ये फ्राइज़ बनेंगे, आप लोग ज़रूर ट्राई करें और बहुत ही जल्दी बनेंगे। इसको हम 30 से 40 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। और अब हमें चाहिए कोटिंग के लिए, जो इसके ऊपर हमने कोटिंग करनी है उसके लिए मैंने लिया है मैदा। मैदे के अंदर मैंने नमक, काली मिर्च और पेपरिका थोड़ी सी मिक्स की है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून ही मैंने पेपरिका मैदे में मिक्स किया है। साथ ही मैंने लिया है अंडा, अंडे में मैंने नमक और काली मिर्च मिक्स की है। और इसको अब हम इन स्ट्रिप्स के ऊपर इनकी कोटिंग करेंगे। पहले हम लगाएंगे मैदा, इस तरह से मैदा लगाएंगे, फिर उसके बाद इस स्ट्रिप को हम अंडे में डिप करेंगे। इस तरह से अंडे में डिप कर लेंगे। ऐसे, और फिर इसके ऊपर मैदा लगाएंगे। पहले मैदा लगाएंगे, फिर अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद फिर मैदा लगाएंगे। इसी तरह तमाम स्ट्रिप्स को ऊपर हम ये कोटिंग कर लेंगे। ऑयल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया हुआ है, मीडियम हीट पे ऑयल को मैं गरम कर रही हूँ। और इन स्ट्रिप्स को इस तरह से कोटिंग करने के बाद हम फ्राई कर लेंगे। मीडियम हीट पे, मीडियम फ्लेम पे इनको मैं कुक करूंगी। बहुत ही यमी, बहुत ही क्रिस्पी ये चिकन स्ट्रिप्स बनती हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं, आपको ज़रूर पसंद आएंगी। मुझे तो ये बहुत पसंद है, बहुत यमी लगती हैं और बहुत जल्दी जल्दी से ये तैयार हो जाती हैं। आजकल रोज़े हैं, इसलिए रमज़ान में जो है ना, इतना बंदे से काम भी नहीं होता। और इस तरह इजी इजी जो रेसिपी हैं, जो इजी इजी से जल्दी जल्दी क्विक बनने वाली रेसिपी हैं, आप लोग उन्हीं रेसिपी को ट्राई करें और अपनी इफ्तारी को जो है ना, वो मज़ेदार बनाएं और कम टाइम में और कम मेहनत में मज़े मज़े की रेसिपी को बनाएं। और मेरे चैनल को जो है ना, वो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, और बेल का बटन जो है ना, उसको ज़रूर पुश किया करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। ये आप लोग देख रहे हैं, ये स्ट्रिप्स जो हैं ये फ्राई हो रही हैं। जब इनका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो फिर हम इनको निकाल लेंगे।
साथ साथ मैं इसके अंदर डालती जा रही हूँ और साथ साथ जो पहले वाली हैं वो कुक हो रही हैं। कितना खूबसूरत सा इनका कलर आ चुका है, तकरीबन ये तैयार हैं, ये देखें। अब मैं इनको निकालूंगी और बाकी की जो स्ट्रिप्स हैं वो फिर मैं इसके अंदर डाल दूंगी। बहुत ही क्विक और बहुत ही मज़े की रेसिपी है, मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ, मज़ेदार और क्विक क्विक रेसिपीज़ जो हैं उनको ट्राई करें, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची ये चिकन जो है ना ये बना है। अब इसमें बाकी की स्ट्रिप भी डाल देंगे, इसी तरह उनको भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए कितनी खूबसूरत हमारी चिकन स्ट्रिप्स लग रही हैं। ये भी गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं, तकरीबन तैयार हैं। अब मैं इनको भी निकाल लूंगी। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर लग रहा है इनका। अब मैं इनको भी निकालूंगी। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट टाइम के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।